महाराजगंज में एसडीएम ने छोटे व्यापारी को लगाई फटकार, लेकिन ठेकेदार और रसूखदार को क्यों दिखाया जा रहा प्यार? अतिक्रमण और जाम का मुख्य कारण अवैध संचालित टेम्पो स्टैंड पर क्यों नहीं पड़ रही एसडीएम की नज़र? बता दें कि शनिवार को रायबरेली के महाराजगंज में उप जिलाधिकारी विनय सिंह ने तहसील का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तहसील गेट के आसपास लगी पान, गुटखा, गुमटी व ठेले वालों को जल्द से जल्द तहसील के आसपास से जगह खाली करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं सरकारी कार्यालय के सामने बैठे अधिवक्ता व बैनामा लेखक को कार्यालय के सामने से जगह खाली करने को कहा। तहसील परिसर का भ्रमण करते समय तहसील बाउंड्री वाल के सामने लगे हुए ठेले, पान, गुटखा की गुमटी को देख उप जिलाधिकारी भड़क उठे। लेकिन क्या उप जिलाधिकारी का हंटर सिर्फ और सिर्फ ठेला, पान, गुटखा, गुमटी वालों पर ही चलता है? एसडीएम की नज़र अतिक्रमण और जाम का मुख्य कारण बने अवैध संचालित टेम्पो स्टैंड पर क्यों नहीं पड़ती? क्या सिर्फ कानून का डंडा कमजोर छोटे व्यापारियों पर ही चलता है? बड़े बड़े ठेकेदार और रसूखदार जैसे लोगों को कानून का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से लगातार उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, इन सभी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, जिसमें दुकानों के सामने टी शेडों में तोड़फोड़ कर छोटे व्यापारियों का नुकसान किया जाता है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण नहीं हटवाया जाता है। अतिक्रमण हटवाओ अभियान के दौरान पक्षपात, छोटा बड़ा व्यापारी करते हुए भेदभाव कर जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमने हर बार रोका। आप लोगों में से ये बात आनी चाहिए ना कि साफ कोर्ट के अंदर जो अधिवक्ता है वही जाए, है? या जब क्लाइंट को कहा जाए तब जाए, अपमान करने के लिए मुकदमे लिखाए जाए। वहाँ जहाँ दफ्तर जहाँ है।